तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं फिर से एक नए एडवांस स्ट्रक्चर की जो कि वर्ड्स यूज आप जैसे हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं कि उससे बात करने का क्या फ़ायदा, उसे बुलाने का क्या फ़ायदा, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। सो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है कि स्ट्रक्चर सबसे पहले हम यूज करेंगे वर्ड्स यूज ऑफ, उसके बाद V1 प्लस ING आफ्टर दैट हमें अदर वर्ड्स यूज करने हैं। सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझा देता हूँ। अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा अगर वह चला गया है। सो इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने रख दिया वर्ड्स यूज ऑफ, उसके बाद वर्ब प्लस ING गोइंग, और उसके बाद हमने लिख दिया है देयर अदर वर्ड्स, और उसके बाद हमने लिख दिया है नाउ इफ ही हैज गॉन। उसके बाद हमने एक दूसरा सेंटेंस बना दिया है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा अगर वह चला गया है। सो चलिए हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा सेंटेंस जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तुमसे बात करने का क्या फ़ायदा, सबसे पहले हमने रख दिया वर्ड्स यूज ऑफ, आफ्टर दैट वी प्लस ING जो कि टाक का हो गया, टाकिंग आफ्टर दैट टू यू। सो तुमसे बात करने का क्या फ़ायदा, सो वर्ड्स यूज ऑफ टॉकिंग टू यू। वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, वर्ड्स यूज ऑफ गोइंग देयर। नाचने का क्या फ़ायदा, वर्ड्स यूज ऑफ डांसिंग। अगर आप ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हो सो आपके डेली कन्वर्सेशन में ये सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा हेल्प देते हैं और आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं।